Hello, welcome to my channel. ये operating system में एक topic है security threats. Security threats, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि security, जो हमारा system है, operating system है, तो उसको भी security के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं. तो security threats क्यों करना होता है हमें, security क्यों ज़रूरी है मेरे लिए. तो system security अगर हम कहें तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपने देखा ही होगा, जब इंटरनेट पे होते हैं तो वायरसेस आ जाते हैं, या फिर सिस्टम अचानक बंद हो जाता है लाइट जाने की वजह से, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बंद हो जाता है और वो सारा जो डेटा है वो हमारा. तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास सिक्योरिटी, ये सारे थ्रेट्स हैं जो खतरे हैं सिक्योरिटी के लिए. तो इसी की वजह से हमें इनके लिए आगे कुछ करना पड़ेगा. तो सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी कैन मीन सेवरल थिंग्स. टू हैव सिस्टम सिक्योरिटी वी नीड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम करप्शन. वी नीड टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑन द सिस्टम. देयर आर मैनी रीजंस व्हाई दीज नीड टू बी सिक्योर. हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए, उसके भी काफ़ी रीजन है. मैलिशियस यूजर्स होते हैं जो मे ट्राई टू बैक इन टू द सिस्टम टू डिस्ट्रॉय इट, एंड पावर फेलर माइट ब्रिंग द सिस्टम डाउन. अ बैडली डिजाइन सिस्टम मे अलाउ अ यूजर टू एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय द इम्पॉर्टेंट डेटा. सिस्टम मे नॉट बी एबल टू फंक्शन एनी लॉगर बिकॉज वन यूजर फिल्स अप द एंटायर डिस्क विद अ गार्बेज. ये जो सिक्योरिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड इट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. और इसके साथ बेल ला पादुला मॉडल वो एक्सप्लेन करने के लिए भी आया है, और ये भी आया है, और ये मेनली आता ही है, बहुत रिपीट होता है, ये किसी न किसी क्वेश्चंस के साथ या फिर शॉर्ट नोट में भी आ जाता है. तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो हमने अभी मलिशियस यूजर्स में ट्राई टू बैक इनटू द सिस्टम टू डिस्ट्रॉय इट. तो द फर्स्ट ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, वन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर. हमने मलिशियस यूजर का पढ़ा, उसके बाद पावर फेलर माइट ब्रिंग द सिस्टम डाउन. तो वन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर फेलर बाय यूजिंग एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज. पावर फेलर होता है तो उसके लिए तो हम यूपीएस लगाकर उसको, अपने डेटा को बचा सकते हैं कि कुछ टाइम हमें मिल जाएगा, अचानक अगर लाइट जाती है तो हम उसको सेव कर सकते हैं, या 5-10 मिनट हम यूज भी कर सकते हैं. दीज आर यूनिट्स विच डिटेक्ट क्विकली, वो डिटेक्ट क्विकली देन द पावर फॉल्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एंड स्विच टू अ बैटरी, और बैटरी मोड पे आ जाता है कंप्यूटर. ऑल्दो द बैटरी डज नॉट लास्ट फॉर एवर, द यूपीएस गिव्स अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चांस टू होल्ड द सिस्टम बाय अ प्रॉपर रूट. एक होल्ड देता है वो, जिससे कि हम उस टाइम पे अच्छे से कंप्यूटर को बंद करते हुए डेटा हम अपना सेव कर लें. द प्रॉब्लम ऑफ मलिशियस यूजर, जो मेरा फर्स्ट आपने बताया था मैंने आपको, मलिशियस यूजर हैज बीन हाइटेंड इन रिसेंट ईयर बाय द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क. जिस तरह से इंटरनेट ग्रो हो रहा है उससे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. पहले क्या होता था कि हम लोग इंटरनेट नहीं था तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी सिक्योरिटी की, लेकिन इंटरनेट आने से वायरसेस आ रहे हैं, और इंटरनेशनल नेटवर्क्स पे तो एनीवन कनेक्ट टू अ नेटवर्क कैन ट्राई टू लॉग ऑन टू द ऑलमोस्ट एनी मशीन, और कोई भी कनेक्ट कर सकता है किसी भी मशीन से. पर यह कि नॉर्मली तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो हैकर है, इफ अ मशीन इज वेरी इनसिक्योर, अगर मशीन इनसिक्योर है दे मे सक्सीड. और इन अदरवर्स वी आर नॉट ओनली लुकिंग एट आर लोकल एनवायरमेंट एनी मोर, यू मस्ट कंसिडर द पोटेंशियल थ्रेट. हमें लोकल एनवायरमेंट नहीं दे रही कि हमारे आसपास का, ये हमारे पोटेंशियल थ्रेट्स हैं. सिस्टम सिक्योरिटी कम फ्रॉम एनी सोर्स. The final point can be controlled by enforcing quotas on how much disk each user is allowed to use. अगर हम ये decide कर दें कि कौन सा user क्या use कर रहा है, तो भी ये problem solve हो सकती हैं. तो we can classify the security attacks in two types mentioned below. तो two types हैं, direct और indirect. This is an any direct attack on your specific system, from whether from outside hacker or from disgruntled insider. तो indirect में क्या है, this is a general random attack, most commonly computer viruses, computer worm or computer trojanot. तो these security attack में study of security measures very essential for the following reasons. तो हमें security measures क्यों ज़रूरी है, to prevent loss of data. You don't want someone hacking into your system. हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सिस्टम को कोई हैक कर सके और डिस्ट्रॉय द वर्क डन बाई यू और योर टीम और टीम मेम्बर. इफ यू हैव
गुड बैकअप्स, अगर हमारा गुड बैकअप है और यू स्टिल हैव आइडेंटिफाई दैट द डेटा हैज बीन डैमेज्ड, तो विच कैन ऑकर एट क्रिटिकल मोमेंट व्हेन अ डेवलपर हैज एन इमीडिएट नीड फॉर द डैमेज्ड डेटा एंड देन रिस्टोर द डेटा एज बेस्ट यू कैन फ्रॉम योर बैकअप सिस्टम और टू प्रिवेंट करप्शन ऑफ डेटा. तो द डेटा मे नॉट कम्प्लीटली बी लॉस्ट बट जस्ट बी पार्शियली करप्टेड. तो दिस कैन बी हार्डन टू डिस्कवर बिकॉज अनलाइक कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन देयर इज स्टिल डेटा. इफ द डेटा सीम्स रीजनेबल यू कुड गो लॉन्ग फॉर टाइम बिफोर कैचिंग द प्रॉब्लम एंड कैस्केड फेलर कुड रिजल्ट इन सीरियस प्रॉब्लम स्प्रेडिंग फार एंड वाइड थ्रू योर सिस्टम बिफोर डिस्कवरी टू प्रिवेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ डेटा. समटाइम इट कैन बी जस्ट एज बैड और इवन वर्स टू हैव डेटा रेवल दैट टू हैव डेटा डिस्ट्रॉयड. इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेड सीक्रेट्स, corporate plans, financial data falling in hands of your competitors. To prevent theft of data, data which चोरी ना कर सके, theft ना हो. तो an obvious example is a list of, इसका सबसे बड़ा example क्या है, जो हमारे credit cards होते हैं customers के numbers, just about anything to do with the money, वो सब चीज़ें जो money से related है. To prevent sabotage, a disgruntled employee, अगर कोई employee है, dishonest competitor or even a stranger could use any combination of activity to maliciously harm your business. So because of thought, intent is the most dangerous kind of attack. The kind has potential for the greatest harm to your business. Now we come to security policies and mechanism. So security computer system, especially the protection mechanism, must be penetration resistance. How most or perhaps all current system of security holes and make the vulnerable. As long vulnerability remain in a system, security may be circumvented. It is thus not too difficult to understand why system owner would like to know how secure their particular system actually. Security evaluation have been performed for quite some time by mainly two different methods. The first to classify the system into predefined set of categories, each with different security systems. Requirement. The other method is refers to penetration testing, which is a form of stress testing or exposing weakness in a system. तो हम दो तरीके से हम अपने data को security methods हैं हमारे. एक तो हम classify कर सकते हैं system को predefined set of categories में, तो each with security requirement, उसके security requirement के according. और the other method है हमारा penetration testing, जो विच इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग एंड एक्सपोजिंग वीकनेस इन अ सिस्टम. इन द आइडिया इज अ लेटर ग्रुप ऑफ पीपल नॉर्मली वेरी स्किल्ड इन द कंप्यूटर सिक्योरिटी एरिया अटैक अ सिस्टम. नाउ वी कम टू सिक्योरिटी पॉलिसी. एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी फॉर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन बाई डिफाइनिंग अ सेट ऑफ रूल्स, कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट रेगुलेट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस एंड प्रोटेक्ट्स इट्स डिस्ट्रीब्यूट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. While substantial effort may be put in by the vendor in implementing the mechanisms to enforce the policy and developing assurance that the mechanism performs properly, all efforts fail if the policy itself is flawed or poorly understood. For this reason, the standards require there must be an explicit or well-defined security policy enforced by the system. Security policy may address confidentiality, usme confidentiality honi chahiye, integrity honi chahiye aur availability honi chahiye. To authentication kya hota hai? ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि कौन पर्सन ऑथोराइज है उस डेटा को देखने के लिए. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर्स आइडेंटिटी थ्रू द यूज ऑफ शेयर्ड सीक्रेट सच एज पासवर्ड और फिजिकल टोकन सच एज की और स्मार्ट कार्ड, अ बायोमेट्रिक मेजर और सच एज फिंगरप्रिंट. द थ्री टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन आर कॉमनली रेफर टू एज समथिंग यू हैव फिजिकल टोकन, समथिंग यू नो शेयर्ड सीक्रेट, something you are biometric measure. The types and rigor of authentication method technology vary according to the security requirement or policy associated with specific situation and implementation. The goal of authentication is to provide reasonable assurance that anyone who attempt to access a system or network is a legitimate user. In other words, authentication is designed to limit the possible that an unauthorized user can gain access by impersonating as an authorized user. Here again, the organization's security policy should guide how difficult it is for one user to impersonate another. Highly sensitive and valuable information demands stronger authentication technology and then less sensitive valuable information. Passwords. Most common and least rigid form of authentication technology demand that users provide only a valid account name and password to obtain access to a system or network. The password based authentication is one way and normally stores the user ID and password combination in a file that may stored on the server in an encrypted or plain text file. Most people using the public email system use this form of authentication. Now we come to password
protection of password. Some systems store the password of all user and protected file. However, this scheme is vulnerable or extends disclosure to abuse the system administrator. The Unix store only encrypted form of every password. A string is the password of user X if its encrypted form matches the encrypted password stored for X. The encrypted password is accessible to everyone, but one cannot find the clear text password without either guessing it or breaking the encryption. Data encryption standard. The encryption is based on one-way functions that are cheap to compute but whose inverse is very expensive to compute. Still widely used, the older encryption algorithm is data encryption standard, which uses a 56-bit key. Unix does not encrypt password with secret key. Instead, it uses the password as the key encrypt standard string. The latter method is not vulnerable to attack based on special secure properties. Secret key was nevertheless known to many people. The limitation of password. User tend to choose passwords that are easy to guess. Persistent guessing attacks can find 80-90% of all passwords. Good guesses include the login name, first name and street name, and words in all online dictionary. Any of these reverse double. The way to defeat these attacks is to choose a password that does not fall into any of those categories. Preferably, password should contain some uppercase letter, numbers or special character. Their presence increases the search space by a large factor. Alternative form of authentication. Alternative form of authentication include the following technology. Biometrics, aapko pata hai. These system jo hum aadhar mein use karte, system read more system physical characteristics of the user, such as fingerprint, facial feature, retinal pattern, voice print, signature analysis. मतलब फिंगरप्रिंट में आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे आप अटेंडेंस वगैरह के लिए भी फिंगरप्रिंट्स लोग लगाते हैं, थंब इंप्रेशन, फेशियल आपके फेस के थ्रू, रेटिनल आईज के थ्रू, वॉइस प्रिंट आपकी आवाज के थ्रू, सिग्नेचर एनालिसिस एंड सिग्नेचर मोशन एनालिसिस, टाइप रिथम एनालिसिस एंड फिंगर लेंथ, डीएनए एनालिसिस. दीज रीडिंग आर कंपेयर टू अ डेटाबेस ऑथोराइज यूजर टू डिटरमाइन इट. द मेन प्रॉब्लम ऑफ दीज स्कीम आर हाई इक्विपमेंट कॉस्ट एंड लो एक्सेप्टेंस रेट. Now we come to security devices or artifacts. These systems require use of special purpose hardware device that functions like a customized key to gain system access. The device may be inserted into the system like a key used to generate a code that is then entered into the system. The best example is the use of an ATM card which is inserted in the machine and also requires password to be entered simultaneously. It holds the user information on either a magnetic strip or smart chip capable of processing information. Concentric ring authentication. These systems require users to clear additional authentication hurdle as they assess increasingly sensitive information. This approach minimizes the authentication burden as users assess less sensitive data while requiring strong proof of identity for more sensitive data. Any authentication method may be broken into given sufficient time, expense and knowledge. Goal of authentication technology is to make entry into the system expensive and difficult to enough that malicious individual can deter from trying to break the security. Now protection in computer system. So protection kis type se hota hai? Isme automatic system bhi hai aur manual bhi hai. So we will see both. So the use of computer to store modify information can simply the composition, editing, distribution and reading of messages and documents. These benefits are not free, however, part of the cost in aggravation of some of the security problems discussed above. So most of the difficulty arise because computer is program shared among several. For example, consider a computer program that displays portion of document in the terminal. The user of such program is very likely not its developer. It is generally possible for the developer to have written the program so that it makes a copy of the displayed information accessible to himself or a third party without permission or knowledge of the user who requested the execution of program. If the developer is not authorized to view this information, he has been violated. In compensation for added complexity, automation brings to security an automatic system. If properly constructed, it can bestow a number of benefits as well. For example, computer system can place stricter limits on user discretion. In the paper system, the processor of document has complete discretion over its further distribution. An automated system.
अब प्रोटेक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम, इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होता है. ऑटोमेटेड सिस्टम जो है इसमें द अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्री काइंड्स है, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और अनऑथोराइज विदहोल्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है. इसको डिनायल ऑफ सर्विस भी कह सकते हैं यूजुअली कॉल. तो इस टाइप से है. तो अब हम आते हैं सिक्योरिटी मॉडल. सिक्योरिटी मॉडल में हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी मॉडल, पॉलिसी सिक्योरिटी मॉडल है और असेस मैट्रिक्स मॉडल है. और जो हमारा एसेस मैट्रिक है इसमें भी मैंडेटरी एसेस, डिस्क्रिशनरी एसेस, रूल बेस्ड एसेस और रोल बेस्ड एसेस कंट्रोल है और ट्रेक ग्रांड मॉडल. उसके बाद हमारे आते हैं मल्टी लेवल मॉडल. तो दिस टाइप ऑफ मॉडल कॉरस्पॉन्ड टू द मल्टी लेवल पॉलिसी वेयर डेटा इज क्लासिफाइड इनटू सेंसिटिविटी लेवल्स, यूजर हैव एसेस अकॉर्डिंग टू देयर क्लियरेंसेस बिकॉज ऑफ द वे दे कंट्रोल सिक्योरिटी. दे हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड डेटा फ्लो मॉडल. दे कंट्रोल मल्टी लेवल मॉडल को डेटा फ्लो मॉडल भी कहते हैं. दे कंट्रोल द फॉलोइंग फ्लो ऑफ डेटा लेवल्स. तो कुछ फ्लो ऑफ डेटा लेवल है जिसको ये कंट्रोल करते हैं. एक तो इसमें है द बेल ला पादुला मॉडल जो क्या करता है, इंटेंटेड टू कंट्रोल लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन लेवल्स. जो लेवल्स के बीच में जो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करता है. बीबा मॉडल है जो इंटीग्रिटी को कंट्रोल करता है. जो लेटेस्ट मॉडल है वे जनरलाइज द पार्शियली ऑर्डर लेवल ऑफ प्रीवियस मॉडल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल लेटेसेस. तो नाउ वी कम टू बेल ला पादुला मॉडल. सिक्योरिटी पॉलिसीज मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन हो गया हमारा, पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स ये हमने देख लिया. तो आप स्लाइड्स देख सकते हैं सिक्योरिटी मॉडल. अभी इनका डिफरेंस बिटवीन भी हम आगे देखेंगे. एसेस मैट्रिक्स मॉडल इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी मैं बेल ला पादुला मॉडल पे आ जाती हूँ. तो बेल ला पादुला मॉडल जो है यूज फिनाइट स्टेट मशीन्स टू फॉर्मलाइज देयर मॉडल. ये फिनाइट स्टेट ऑफ मशीन यूज करता है अपने मॉडल को फॉर्मलाइज करने के लिए. और दे डिफाइन द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फिनाइट स्टेट मशीन. और ये फिनाइट स्टेट मशीन के ही कॉम्पोनेंट्स को डिफाइन करता है और कि वॉट इट मीन्स फॉर्मली फॉर गिवन सिस्टम स्टेट टू सिक्योर. एंड देन कंसिडर द ट्रांजिशंस दैट कैन बी अलाउड और फिर उन ट्रांजिशंस जो भी अलाउड होती हैं सो दैट द स्टेट कैन नेवर लेड टू एन इनसिक्योर स्टेट. इन एडिशन टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एसेस मैट्रिक्स मॉडल इट इंक्लूड सिक्योरिटी लेवल ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी सिस्टम. ईच सब्जेक्ट हैज अथॉरिटी एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज क्लासिफिकेशन. इस सब्जेक्ट ऑल्सो हैज करंट सिक्योरिटी लेवल विच मे नॉट एक्सीड द सब्जेक्ट अथॉरिटी. सो दस असेस मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अबव. फोर मोड्स ऑफ असेस आर नेम स्पेसिफाइड एज फॉलोज. दीज आर रीड ओनली, अपेंड, एग्जीक्यूट एंड रीड एंड राइट. तो रीड ओनली में क्या है, सब्जेक्ट कैन रीड द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बट Not modified. Append में हो क्या होगा, Subject can write the object but cannot read it. और execute में होगा Subject can execute the object but cannot read or write it directly. And read and write में Subject both read and write the object. अब आते हैं control attribute which like an ownership flag is also defined. It allows object to pass to other subjects some or all of assess modes it possesses for controlled object. The control attribute itself cannot be passed to other object granted to the subject that created the object. For a system state to be secured should hold the following two properties, the simple security property and the star property. No subject has append access to an object whose security level is not at least the current security level of the subject. No subject has read write access to an object whose security level is not equal to the current security level of the subject. And no subject has read the access to an object whose security level is not at the current security level of the subject. This example hai. In this case we use security level unclassified, less than confidential, less than secret and less than top secret. These security levels are used to determine appropriate access rights. The essence of model kya hai, Bell La Padula model ka essence kya hai? The higher level object or secret level can also read down to the objects. The higher level subject
or secret level can always read down to the objects with level which is either equal, secret level or lower, confidential or unclassified level. So the system high tap security level in the system has the read access, read only access right to all the objects in the entire system. The lower level object the lower level subject can never read up to the higher level object. As the model suggests that these objects do not have enough authority to read the high security level information. The subject will have the read write access right when the objects are in the same level as the subject. A lower level subject confidential level can also write up append access right to the object with level which is either equal confidential level or higher secret top secret level. This happens as a result of all the subjects in the higher security level. So top secret can have the authority to read the object from lower level. A higher or level object subject can never write down to the lower level object, as the model suggests that these objects secure enough to handle the higher security level information. There are also a few problems with this model. For a subject of higher level, all of its information can be the same level. So there is no passing information from this subject to any object in the lower level. For an environment where security level are not hierarchical related, model does not account for the transfer of information between these domains. Model does not allow changes in access permission. Model leaves only in confidentiality but not in integrity. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है बीबा इंटीग्रिटी मॉडल. तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन मैं इस टॉपिक को ले लेती हूँ. तो दिस मॉडल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बेल ला पादुला मॉडल का ये मॉडिफिकेशन है और इसमें इंटीग्रिटी पे एम्फसाइज किया हुआ है. इसकी टू प्रॉपर्टीज है, सिंपल इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी और इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं. अ सब्जेक्ट मे हैव राइट एसेस टू एन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में राइट एसेस है ऑब्जेक्ट का. इन द सिक्योरिटी लेवल द सब्जेक्ट इज नाइदर हायर, ना तो वो हायर हो और इक्वल टू द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट. आइदर सॉरी नाइदर नहीं सब्जेक्ट इज आइदर हायर और इक्वल टू द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट. इंटीग्रिटी ऑब्जेक्ट में अ सब्जेक्ट हैज द रीड ओनली एसेस टू एन ऑब्जेक्ट ओ दैट इट कैन ऑल्सो हैव द राइट एसेस टू अनदर ऑब्जेक्ट पी ओनली इफ द सिक्योरिटी लेवल ऑफ पी इज आइदर लोअर or equal to the level 0. The essence of model can be defined as follow. The read access policy is the same as the read access policy same as the Bell La Padula model ki thi. No information from subject can be passed onto an object is a higher security level. This prevents the contamination of data of higher integrity from the data of lower. The major problem solved with this model is there is not practical model. They can fulfill the confidentiality of the Bell La Padula model and integrity of the model. अब आते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल. द सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इज दैट इट फोकसेस ऑन द एक्चुअल ऑपरेशन द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट. एसेस कंट्रोल मॉडल सच एज द ओरिजिनल बेल ला पादुला मॉडल रिप्रेजेंट इंस्टेड द ट्रांसफर और एक्सरसाइज बाय सब्जेक्ट ऑफ एसेस राइज टू ऑब्जेक्ट. द इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल इन इनडायरेक्टली. While the SS matrix model generally apply larger objects such as file and asset, the flow model compared with Bell La Padula model is relatively incomplete. Instead of a series of conditions and properties to be maintained there. In the single requirement of that information flow of a lattice structure as described below, an information flow model has five components. A set of objects representing information receptacles. Files, programs and variable bits. A set of processes representing the active agent responsible for information flow. A set of security classes corresponding to disjoint classes of information. An associative commutative class combining operating ready to specify the class of the information generated by any binary or on information from two classes. A flow relation that for any pair of security classes determines whether information is allowed to flow or from one to another. Maintaining secure information flow in the modeling system, the system corresponding ensure that the actual information that flows between objects do not violate the side flow relation. This problem addresses primarily in the context of programming language.
Permission flow from an object X to an object Y. Whenever information stored is X is transferred directly to Y or used to derive information transferred to Y. Two kinds of information flow, explicit or implicit. Render a flow from X to Y is explicit if the operation caused in the it are independent of the value in the state, and it is implicit if the statement specify a flow from some other object Z to Y, but execution of the statement depends on the value of X. In conditional assignment, if X then Y is equal to Z, information about the X can flow into Y or assignments. The lattice model for security level is widely used to describe the structure of military security level. Lattice is finite set together with partial ordering on its elements such that every pair of elements there is least upper bound and a greatest lower bound. The simple linear ordering of sensitivity level has already been defined. Compartment set can be partially ordered by the subset relation. One compartment set is greater than or equal to another if the latter set is subset of the former classification which include a sensitivity level A. Compartment set then partially ordered as follows. For any sensitivity level AB, any compartment set CD, the relation AC is greater than or equal to B and D. Exist if only if A is greater than equal to B or C is subset of D. That each pair of classification has greatest lower bound, at least upper bound, flow from these definitions. The facts that the classification unclassified no compartments, a global lower bound, that we can postulate classification top secret, all compartments are lower upper bound. Because the lattice model matches the military classification structure, so closely it is widely used. तो हमने ये सारे यहाँ पर देखा और मल्टीप्रोसेसर और प्रोसेसर कपलिंग मैं आपकी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ. इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो आप देख सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. और मैं जो भी अब एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत रिपीट हो चुके हैं तो मैं उनको विद सॉल्यूशन आपके पास लेके आ रही हूँ. तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. एग्जाम बहुत करीब है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया अभी तक तो. थैंक यू.